दोस्तों, अगर आप भी भारत को जबरदस्त टीम मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम को बड़ी शर्मनाक हार का स्वाद चखना पड़ा, जिसके बाद अब भारतीय टीम की कड़ी आलोचना हो रही है। दोस्तों बता दें, तीसरे टेस्ट मुकाबले के बाद जब विराट कोहली प्रेजेंटेशन के लिए आए तो उन्होंने ऐसा बयान दे डाला जिसको सुनने के बाद तो सभी के होश उड़ गए। तो चलिए बताते हैं आपको क्या कहा विराट कोहली ने अपने बयान में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा को विराट कोहली की जगह भारतीय टीम का कप्तान बनाना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने बड़ा ही निराशाजनक प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से उन्हें इस मुकाबले में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम के इस घटिया प्रदर्शन को देखने के बाद कप्तान विराट कोहली के साथ साथ पूरी टीम की आलोचना पूरे विश्व में हो रही है और अब विराट कोहली की कप्तानी को लेकर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। दोस्तों बता दें, जब मुकाबले के बाद विराट कोहली प्रेजेंटेशन के लिए आए तो उन्होंने कई बातों को लेकर काफी बड़े बयान दे डाले, जिसको सुनने के बाद तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। उन्होंने अपने बयान में कहा कि हमने इस मुकाबले में पूरी कोशिश करी थी, लेकिन हर बार हर मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करना संभव नहीं होता। इस बार कई फैसले हमारे पक्ष में नहीं रहे, चाहे अगर टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का हो या फिर खिलाड़ियों की टीम में जगह देने का हो, एक भी फैसला हमारे पक्ष में नहीं गया है, जिसकी वजह से हमें इस मुकाबले में बड़ी शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। वो मानते हैं कि इस मुकाबले की हार का कारण है भारतीय टीम की प्लेइंग 11, जिसमें उन्हें लगता है कई बदलाव होने चाहिए थे। अगर ऐसा होता है तो शायद आज खेल का नतीजा कुछ और होता। उन्हें ऐसा लगता है कि टीम में कुछ बल्लेबाज हर मुकाबले में प्रदर्शन करने में असफल रहते हैं, जिसकी वजह से भारतीय टीम को हर मुकाबले में संघर्ष करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो भारतीय टीम के मध्य क्रम के बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे किसी भी मुकाबले में टीम को सहयोग नहीं दे रहे हैं। अगर वो सूझबूझ और समझदारी से बल्लेबाजी करते हैं तो टीम इंग्लैंड पर अपना शिकंजा कस लेती है और हम इस मुकाबले को जीत भी सकते थे, लेकिन अब हम इस मुकाबले को हार चुके हैं तो टीम और मैनेजमेंट इस बात पर विचार करेगी कि किस खिलाड़ी को चौथे टेस्ट मुकाबले में खेलने का मौका देना चाहिए और किसे नहीं। सबसे पहले तो उन्हें लगता है कि भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर में कई बड़े बदलाव किए जाने चाहिए, जैसे कि चेतेश्वर पुजारा की जगह पृथ्वी शो को लाना चाहिए और अजिंक्य रहाणे की जगह सूर्य कुमार यादव जैसे शानदार बल्लेबाजों को खेलने का मौका देना चाहिए, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज ऐसे हैं जो कि युवा बल्लेबाज हैं और इनमें आक्रामक रूप से बल्लेबाजी करने की काबिलियत है। इंग्लैंड में अगर किसी बल्लेबाज को सफलता हासिल करनी है तो उन्हें पहले तो सूझबूझ और समझदारी में बल्लेबाजी करनी चाहिए और जैसे ही वो अपने कदम जमा लेते हैं फिर उसके बाद गेंदबाजों की जमकर धुलाई करनी चाहिए। ऐसे ही कुछ बल्लेबाजी करते हैं पृथ्वी शो और सूर्य कुमार यादव। अगर इन दोनों बल्लेबाजों को चौथे टेस्ट मुकाबले में खेलने का मौका दिया गया तो ये दोनों इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देंगे और वो जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन करके साबित कर देंगे कि अब भारतीय टीम को चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे जैसे खिलाड़ियों से आगे सोचकर युवा खिलाड़ियों पर दांव लगाना चाहिए। वो उम्मीद करेंगे कि चौथे टेस्ट मुकाबले में ये दो बदलाव हों और भारतीय टीम अपने जबरदस्त प्रदर्शन के बलबूते पर इंग्लैंड को अपने पैरों तले रौंद कर रख दे। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या भारतीय टीम को पुजारा और रहाणे की जगह पृथ्वी शॉ और सूर्य कुमार यादव को खिलाना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।